गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लेट मी स्टार्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर बोलो बोलो। सर पास्कल्स लॉ की एक बार जो आपने डेफिनेशन बताई थी वो वापस बता दो। पास्कल्स लॉ बेटा क्या कहता है मोटे तौर पर? मान लीजिएगा एक हमारे पास लिक्विड है क्लोज्ड कंटेनर में। कैसे कंटेनर में है? क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड है। इस सारे में लिक्विड भरा हुआ है। इस पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स मान करके चले। एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया, एक पॉइंट हमने सी मान लिया, एक पॉइंट हमने डी मान लिया। क्या कहता है ये? ये कहता है कि अगर हम कोई मेथड अप्लाई करके ए के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, कोई मेथड अप्लाई करके हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दें, तो सभी पॉइंट्स पर यानी बी पर भी सेम प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सी पर भी सेम प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डी पर भी सेम प्रेशर इंक्रीज। ये है पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन। क्योंकि भाई अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड है, रेस्ट के ऊपर है, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर एट ए सर्टेन पॉइंट इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स एट ऑल पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स के ऊपर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पास्कल्स। ठीक है। और अगर हम जी को जीरो मान करके चलें तो हर जगह पर प्रेशर क्या होगा? इक्वल। ठीक है बेटा। एक बार दोबारा समझाना बेटा। मोटी सी बात है कि अगर आप लिक्विड में ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बी पे भी बढ़ेगा, सी पे भी बढ़ेगा, डी पे भी बढ़ेगा। अगर ई पॉइंट है तो ई पे भी बढ़ेगा, एफ पॉइंट है तो एफ पे भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इक्वल बढ़ेगा। मतलब सर ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में तो थे ही बेटा। ये तो कंडीशन ही है कि भाई आपका लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। ये तो पहले ही कंडीशन है कि भाई लिक्विड आपका फ्लो नहीं करना चाहिए, रेस्ट पर करना चाहिए। हम चैप्टर ही लिक्विड एट रेस्ट पढ़ रहे हैं। ये तो पहली कंडीशन है कि भाई लिक्विड कंटेनर आपका क्लोज्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई इनलेट आउटलेट नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपका फ्लो नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर ए पॉइंट पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो बी पर भी बढ़ेगा, सी पर भी ऑब्जर्व होगा, डी पर भी ऑब्जर्व होगा, ई पर भी ऑब्जर्व होगा। हर जगह प्रेशर इंक्रीज ऑब्जर्व होगा अगर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर आप चेंज करेंगे तो। बताओ। हाँ सर आ गया समझ। नाउ वी विल डिस्कस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज Dipped in a liquid,
इन ए लिक्विड इट लॉसेस सम वेट. ये कुछ वेट लॉस कर देती है एंड लॉस ऑफ वेट. हेमंत बेटा डिस्टर्ब कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? एंड लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड displaced by the object. ये डेफिनेशन लिखी मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखी. इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन ए लिक्विड इट लॉसेस सम वेट एंड लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कि भाई कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो बताइए. ये आपके पास डेफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की. यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है लॉस ऑफ वेट by object is equal to weight of liquid displaced the how about वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. लॉस ऑफ वेट बाई ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर. रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? अनदर फोर्स अपीयर्स. अनदर फोर्स अपीयर. कौन सा फोर्स अपीयर हो जाता है बेटा? हमने डे बिफोर यस्टरडे पढ़ा था बॉय. वैसे मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ये मानती है कि आपको पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल दोनों आते हैं, क्योंकि वो कहता है कि आपने इनको क्लास टेंथ में पढ़ ली, टेंथ या नाइन्थ में पढ़ लिया था. तो आप टेंथ नाइन्थ की किताब भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ेंगे इसको पढ़ने के लिए. रीजन क्या बताया मैंने लॉस ऑफ वेट का? लॉस ऑफ वेट का रीजन बताया कि उसके ऊपर एक और फोर्स काम कर जाता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे? बायंसी बोलते हैं. तो हम इसका हल्का सा प्रूफ करते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे तो दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे, प्रूफ करते हैं. मान लेते हैं मेरे पास एक सिलेंडर है. इस सिलेंडर में आपका वाटर भरा है या कोई भी लिक्विड है, एनी लिक्विड.
और इसमें हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर रख दी, हमारी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हमने मान करके चला इसके अंदर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख। अब इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस के ऊपर नॉर्मली हर जगह प्रेशर लगेगा, इसकी सभी साइड्स के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, नॉर्मली लगेगा। यानी दिस ऑब्जेक्ट विल बी द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड द सेकंड वन इज फोर्स ड्यू टू व्हाट वेट। फोर्स ड्यू टू प्रेशर लगेगा और फोर्स ड्यू टू वेट लगेगा। व्हाट इज वेट? ये आपके पास वेट लग गया, ठीक है। तो अब हम बात करके चलें कि भाई व्हाट इज समेशन ऑफ एफ एक्स, वो तो जीरो के बराबर। अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लूं और इस डायरेक्शन को मैं वाई एक्सिस मान लूं तो समेशन ऑफ एफ एक्स जो है वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जितना प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर होगा, तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। यानी कोई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लगेगा, देयर विल बी द डिफरेंस इन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। एंड व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम अपेरेंट वेट बोलेंगे। अपेरेंट वेट बोलेंगे, यानी अपेरेंट वेट क्या है, आपके पास नेट फोर्स है। तो अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा बेटा, आपके पास मोटी सी बात है कि यहां पर आपके पास इस सरफेस के ऊपर मैं प्रेशर मान करके चल रहा हूं पी वन के बराबर है, और इस सरफेस के ऊपर प्रेशर मान करके चल रहा हूं किसके बराबर है, पी टू के बराबर है। तो अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा, अपेरेंट वेट होगा नेट फोर्स के बराबर। नेट फोर्स कितना हो गया, अगर मैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान करके चलूं और सिलेंड्रिकल है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा, मेरे पास टोटल फोर्स के बराबर, और टोटल फोर्स आपका किसके बराबर है, ट्रू वेट। ये डाउनवर्ड काम कर रहा है, मैं डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि वेट जो है हमारे पास डाउनवर्ड ही काम करता है, डाउनवर्ड ही लेकर के चलते हैं। तो ट्रू वेट प्लस पी वन ए और माइनस पी टू ए, ये आपके पास अपेरेंट वेट की वैल्यू होगी। उल्टा लिख लो इसको थोड़ा सा मैं, अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा, अपेरेंट वेट जो है वो किसके बराबर होगा, ट्रू वेट माइनस पी टू माइनस पी वन इंटू ए।
अब ये अपेरेंट वेट किसके बराबर हो गया मेरे पास, अपेरेंट वेट किसके बराबर हो गया, अपेरेंट वेट किसके बराबर हो गया, ट्रू वेट माइनस पी टू माइनस पी वन किसके बराबर, पी टू माइनस पी वन जो है आपका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच का प्रेशर डिफरेंस. लेट टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस आर सेपरेटेड बाय ए वर्टिकल हाइट एच, देन P2 minus P1 is equal to H rho liquid. रो जी. देखिएगा प्रेशर डिफरेंस जो होगा, प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो आपके पास हाइट की वजह से होगा H rho g. ये rho किस चीज का है, ये rho चलो मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, rho liquid. तो ट्रू वेट माइनस H rho g into A. तो अब मेरे पास अपेरेंट वेट किसके बराबर आ गया, अपेरेंट वेट जो है वो हमारे पास आ गया ट्रू वेट माइनस. अब एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, इस एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम अगर मैं इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉल्यूम है. किस चीज का वॉल्यूम है तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी, बट ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ही जो है हमारे पास लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम भी है. ठीक है, ये जो v वॉल्यूम है ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी है क्योंकि पूरी डूबी हुई है, और लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ तो अपने वॉल्यूम के बराबर उसने डिस्प्लेस कर रखा है तो उसका लिक्विड वॉल्यूम भी है v rho लिक्विड इनटू g. तो ये हमारे पास क्या आ गया, अपेरेंट वेट क्या आ गया हमारे पास, अपेरेंट वेट आ गया ट्रू वेट माइनस व्हाट इज दिस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्यों आया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ली है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्यों ली है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जो आया है वो आपका लिक्विड की वजह से आया. तो अब इसको मैं सॉल्व करके चलूं कि भाई हमारे पास इसको मैं इधर ले आता हूं तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर हो गया, ट्रू वेट माइनस अपेरेंट वेट. और ट्रू वेट माइनस अपेरेंट वेट क्या हो गया बेटा आपके पास, क्या हो गया बेटे आपके पास, ये लॉस ऑफ वेट. तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई हमारे पास लॉस ऑफ वेट जो आएगा वो आपके पास किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. यानी दो चीजें हमें यहां से दिखनी है, एक तो हमारे पास क्या है, वन इज अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू किसके बराबर, ट्रू वेट माइनस वेट ऑफ ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. एक तो ये है भाई अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा, ट्रू वेट माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. और दूसरा हमने बात किया है क्या चीज होगी बेटा आपका, लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. क्लियर बेटा, तो ये चीज आपके पास परनोले ना आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. अब मैं इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा,
छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला सर एक बार ऊपर करना, जो आर्किमिडीज ने अपने एम्परर के लिए किया था। देखिए भाई, उसने गोल्ड क्राउन में इम्प्योरिटी कैसे कैलकुलेट की? उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, हम मोटे तौर पर एप्लीकेशन कैलकुलेशंस लेकर के देख लेंगे। उसने मेजर किया डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या होती है, कितनी होती है डेंसिटी ऑफ गोल्ड। एक तो उसने ये मेजर किया, दूसरा उसने ये, मैं आपको उसका एक हल्का वो मान करके चल रहा हूं कि वो जो हमारे पास क्राउन था उसमें मैं दो ही चीजें मान करके चल रहा हूं कि क्या क्या है हमारे पास क्राउन के अंदर, या तो गोल्ड यूज हुआ है या फिर सिल्वर यूज हुआ है, दो चीजें यूज हुई है, तो हम इन दो चीजों से डिस्कस कर लेंगे। तो उसने प्योर गोल्ड लेकर के डेंसिटी ऑफ गोल्ड मेजर की और प्योर सिल्वर लेकर के उसने डेंसिटी ऑफ सिल्वर कैलकुलेट। आप में से मैं देखना चाहता हूं कि किसी सब्सटेंस की, किसी सॉलिड की अगर डेंसिटी मेजर करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, तो आप किस तरह से करेंगे। कितने लोगों को मालूम है कि मैं आपको एक पत्थर का टुकड़ा दे दूं और आपसे ये कहूं कि भाई आप इसकी डेंसिटी बताओ, तो आप किस तरह से क्या 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 चीज करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे कि आपको उसकी डेंसिटी पता लग जाए। आई वॉन्ट टू नो, कौन बता पाएगा? रेज हैंड। ईश्वर और नीतिका, निकिता ने हाथ खड़े किए हैं। एनीबॉडी मोर? मुकेश भी हाथ खड़े कर रहा है, उदय भी हाथ खड़े कर रहा है। उदय आप बताओ बेटा, मनोज भी कर रहा है, उदय बताएगा कि कैसे आप डेंसिटी मेजर करोगे। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो वो वाटर डिस्प्लेस होएगा। अनम्यूट करें फिर बोले। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो वाटर डिस्प्लेस होएगा सर, उसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। और उदय सुन रहे हो आप? और सर उसी का मास। बोलो ईश्वर। चलो मनोज बताएगा। यस सर बताइए। सर जब हम उसको हाँ मैं सुन नहीं पा रहा था, बोलो उदय, बोलो बेटा। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो वाटर डिस्प्लेस होएगा उसका हम पहले वॉल्यूम देख लेंगे, उसका कितना वॉल्यूम है और उसका वेट मेजर कर लेंगे। और सर उसके बाद वही वॉल्यूम और वेट उस स्टोन का भी होगा और फिर उससे डेंसिटी निकल आया था। बिल्कुल ठीक बात है। आप क्या करेंगे, जैसा उदय ने बताया है, ये आसान सा तरीका है कि हम कोई मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे, मेजरिंग सिलेंडर में वाटर भर लेंगे और उसका लेवल मेजर कर लेंगे। जो स्टोन है उसका वेइंग मशीन से मास मेजर कर लेंगे, वेट मेजर हो जाएगा, मास ही आ जाएगा। फिर उस स्टोन को वाटर में डिप कर देंगे तो आपका राइज इन लेवल ऑफ लिक्विड आ जाएगा। राइज इन लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा आपका? डेफिनेटली स्टोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब आपके पास स्टोन का मास भी है, अब आपके पास स्टोन का वॉल्यूम भी है,
मास को आप किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, इस तरह से यू विल गेट व्हाट, डेंसिटी। तो आप डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड भी मेजर कर लेंगे सर। हाँ सर, एक बार नीचे कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा। कर रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं, आराम से ले लेना। ओके सर। अब क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि क्राउन है, क्राउन है, उस क्राउन में गोल्ड और सिल्वर दोनों क्या है बेटा, मिक्स है, कहीं गोल्ड लगा हुआ है, कहीं सिल्वर लगा हुआ है, इस तरह से कुछ क्राउन में गोल्ड और सिल्वर जो है वो मिक्स है। इसका मीनिंग क्या है कि क्राउन का टोटल वेट तो हमें पता है, टोटल वेट ऑफ क्राउन तो क्या है, नॉन है, बट उसमें से गोल्ड कितना है और सिल्वर कितना है ये आपका अननोन है, अननोन। क्लियर बेटा? भाई क्राउन का ये बात समझ में आती है कि क्राउन का टोटल वेट तो नॉन है, भाई वेइंग मशीन से मेजर कर लेंगे तो टोटल वेट ऑफ क्राउन इज नॉन। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, ये तो सीधी सीधी बात है। और उस क्राउन में आपका सिल्वर भी है और गोल्ड भी है, अब वो इंडिविजुअली कितने कितने ये मालूम नहीं है। अब क्या करें, मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट वी गोल्ड इज वॉल्यूम ऑफ गोल्ड पोर्शन, और वी एस इज वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सिल्वर पोर्शन। ये दोनों ही चीजें क्या हैं बेटे, दोनों ही चीजें क्या हैं बेटे, अननोन है। बट एक बात बताओ, ये जो फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं, वी गोल्ड वॉल्यूम ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड और मल्टीप्लाइड बाय जी, ये क्या लिख दिया मैंने, मास, वेट, क्या लिख दिया मैंने, वेट लिख दिया। किसका लिख दिया, गोल्ड का। क्या हमें नॉन है ये, नहीं नॉन, वॉल्यूम सिल्वर, डेंसिटी सिल्वर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मैंने रेड बॉक्स में क्या लिख दिया, बताओ, वेट ऑफ क्राउन, टोटल वेट ऑफ क्राउन, वेट ऑफ क्राउन लिख दिया। और ये क्या है बेटा मेरे पास, नॉन है, इंडिविजुअल नहीं है, नॉन है, गोल्ड का वेट नॉन नहीं है, सिल्वर का वेट नॉन नहीं है, पर टोटल वेट ऑफ द क्राउन क्या है हमारे पास, नॉन है। अब यहां पर वेरिएबल कौन कौन से हैं बेटा, क्या क्या मालूम है हमें, जी पता होता है, और डेंसिटी हमने मेजर कर ली गोल्ड की और सिल्वर की, प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर लेकर के। वेरिएबल क्या बच गए, वेरिएबल बच गए वी गोल्ड हमें नहीं पता था क्या है और वी सिल्वर हमें नहीं पता था क्या है, ये दो चीजें हमारे पास, हमें नहीं पता था क्या है। अब एक काम और करते हैं, अब अप्लाई करता हूं मैं, कौन सा क्या चीज अप्लाई करता हूं बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
ये अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। क्या किया मैंने, मैंने पहले तो क्राउन को वेट किया एयर में। क्राउन को वेट जब एयर में किया तो ये मेरे पास, इसको लिख देता हूं मैं, W1 आ गया, ठीक है, W1 आ गया। फिर मैंने क्राउन को वेट किया किसमें, वाटर में। मान लो मेरे पास क्या चीज आ गया, वो W2 आ गया। अब एक बात बताओ भाई, W2 लेसर होगा W1 से या ग्रेटर होगा W1 से? लेस होगा। लेस होगा, ठीक है। हम W1 माइनस W2 कैलकुलेट करके, W1 माइनस W2 कैलकुलेट करके क्या मेरे पास लॉस ऑफ वेट आ जाएगा? यस सर। यानी हमारे पास लॉस ऑफ वेट जो है, लॉस ऑफ वेट जो है, व्हाट इज दैट, दैट इज नॉन बोएंसी, नॉन है ना, वो मेजर हो गया ना, बट W1 भी मेजर हो गया, और क्या मेजर हो गया आपका, W2 भी मेजर हो गया, तो आपका लॉस ऑफ वेट भी मेजर हो गया। बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये मेरे पास W1 माइनस W2 लिख दिया मैंने। W1 माइनस W2 क्या है बेटा, लॉस ऑफ वेट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब मेरे पास क्राउन में गोल्ड का पोर्शन था, वॉल्यूम था वी गोल्ड, और सिल्वर के पोर्शन का वॉल्यूम था वी सिल्वर, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ क्राउन कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्राउन कितना हो गया, वी गोल्ड प्लस वी सिल्वर, ये क्या हो गया मेरे पास, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ क्राउन, और ये सारा डूब गया वाटर में, और अगर ये सारा डूब गया वाटर में तो वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्राउन, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्राउन। भाई जितना वॉल्यूम क्राउन का था वो अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो डिस्प्लेस करेगा, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वो हो गया मेरे पास, ये तो हमारा क्या डिस्प्लेस हुआ बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, रो ऑफ वाटर हुआ, और इनटू व्हाट, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक तो ये आ गई, दूसरी दोबारा लिख देता हूं मैं दोनों इक्वेशंस को, वी गोल्ड रो गोल्ड जी प्लस वी सिल्वर रो सिल्वर जी इज इक्वल टू W1, यानी ये हो गया मेरे पास वेट ऑफ क्राउन। ये तो एक इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, V gold plus V silver multiplied by rho water into G is equal to W1 minus W2. ये क्या आ गया मेरे पास, loss of weight. W2 क्या था, W2 था weight of crown inside water. अब दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन आ गई। व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस, कितने वेरिएबल हैं इसमें, अब आप बताओ मेरे को कि क्या W1 नॉन है, यस इट इज नॉन, W2 नॉन है, यस इट इज नॉन, W1 नॉन, जी नॉन, रो सिल्वर नॉन, रो गोल्ड नॉन, रो वाटर नॉन, जी नॉन, व्हाट आर द वेरिएबल्स,
वीजी और वीएस। तो ये आपके पास, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और दो ही क्या है हमारे पास, इक्वेशंस हैं, सो वी कैन कैलकुलेट। हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास वी गोल्ड आ जाएगा तो वी गोल्ड को रो गोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास गोल्ड का पोर्शन आ जाएगा, और वी सिल्वर है तो रो सिल्वर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास किसका पोर्शन आ जाएगा, तो आपके पास सिल्वर का पोर्शन आ जाएगा। इस तरह से आप दोनों चीजों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, हल्का सा न्यूमेरिकल। मेरे पास एक टैंक है वाटर का, वाटर का टैंक है, और वाटर टैंक थोड़ा सा गहरा है। कितनी हाइट का है? 10 मीटर हाइट का है। यहां पर मैंने एक स्टोन डाल दिया, स्टोन डाल दिया, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। मतलब समझते हो, डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर इसकी 3 है। तो ये हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द बॉटम, टाइम दैट इट विल टेक टू रीच द बॉटम। और विद व्हाट स्पीड इट विल रीच, करके बताओ कैलकुलेट। वेट कर रहा हूं, देखता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन कौन करके बताता है।
वेट कर रहा हूँ बेटा, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। यानी मोटी सी बात है कि हमें फॉर्मूला तो यही लगाना है, कौन सा लगाना है, एस इज इक्वल टू जीरो टी प्लस हाफ ए। हम अभी मान करके चल, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, विस्कोसिटी को जीरो मान करके चल रहा है। यानी दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक इसके ऊपर वेट काम कर रहा है, दूसरा इसके ऊपर बायंसी काम कर रही है। तो फार्मूला तो यही लगाना है हमने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। बस फर्क ये है कि मुझे ए कैलकुलेट करना है क्या है, ए कैलकुलेट करना है क्या है। कर पाया कोई कैलकुलेट, मेरे को हाथ खड़े करें भाई, कुछ किया है उसने, हाथ पांव मारे हैं। टोटल यही मान करके चलो सेंटर ऑफ मास के ऊपर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन यही है कि वेयर ऑल द फोर्सेस कैन बी सपोज्ड टू बी एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। सर स्पीड अंडर रूट 140 आएगी। बेटा मैं तो वैसे बना करके दिया है, आई विल कैलकुलेट। आप सौरव बोल रहे हो, गौरव सौरव बोल रहे हो, 140 चेक करूंगा मैं तो, वो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करके करूंगा। आपने क्या किया मुझे बताओ। सर मैंने तो एनर्जी कंजर्वेशन से किया था। एनर्जी कंजर्वेशन से तो हमने कर दिया, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s। तो कैसे किया एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कैसे कंजर्व है, कंजर्व है टोटल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर दिया। हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से कर दिया, ठीक है। बायंसी कितनी लगी, दो फोर्स काम कर रहे हैं ना, टोटल वर्क कितना हुआ, बायंसी v रो g इनटू h लगी ना, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना वर्क किया बाय फोर्स ने, इतना वर्क किया w माइनस b इनटू s, इतना टोटल वर्क हुआ। हाँ तो w और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, नहीं वो तो आ जाएगा। अब मुझे m भी नहीं पता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया, वेट तो चलो m की फॉर्म में, ये b कैसे किसके बराबर लगा, मेरे को सॉल्व करवा दो, मैं देखना चाहता हूँ, हो सकता है सही सॉल्व किया हो, आई डोंट से कि भाई गलत सॉल्व किया है। हो सकता है, बिल्कुल सही सॉल्व किया, डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब क्या किया आपने, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस बी इनटू एस, बिल्कुल ठीक है ये, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये फार्मूला भी समवट यही है, सारे के सारे लोग आप मेरा को जो आपने सॉल्व किया है उसका फोटो लेकर के भेज, तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या किया, कितने लोगों ने किया, देखना चाह रहा हूँ मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। देखो क्या हो गया मेरे पास, ये सौरव वाला ही फार्मूला ले लेते हैं, और कुल मिला करके सौरव वाला फार्मूला यही है। कैसे है भाई, ये हो गया मेरे पास v स्क्वायर हो गया, और ये तो जीरो है ही, इज इक्वल टू टू इधर चला गया, और w माइनस b डिवाइडेड बाय m और इनटू s। अब w माइनस b जो है वो तो मेरे पास, w माइनस b जो है वो क्या है मेरे पास, नेट फोर्स है, और नेट फोर्स को मैंने मास से डिवाइड कर दिया, तो डेफिनेटली क्या आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गया। तो कुल मिला करके फार्मूला मेरा यही है भाई, w माइनस b डिवाइडेड बाय m जो है वो क्या है मेरे पास, ये
वो क्या है मेरे पास, ये एक्सेलरेशन। अब मैं बाहर से एक वेरिएबल लाता हूं, बाहर से क्या लाता हूं, एक वेरिएबल लाता हूं, मान लेता हूं वी जो है मेरे पास वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन है, मान लिया मैंने वी वॉल्यूम ऑफ क्या है, स्टोन है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ स्टोन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टोन मल्टीप्लाइड बाय जी। ये क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया बेटा मैंने, ये वेट ऑफ स्टोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टोन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू बायंसी इंटू जी। ये क्या लिख दिया मैंने, बायंसी लिख दी, बायंसी क्या होती है, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बायंसी क्या होती है आपकी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होती है डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ स्टोन और डेंसिटी ऑफ स्टोन, ये हो गया मास ऑफ स्टोन इनटू व्हाट। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया, क्या कैलकुलेट होकर के आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी एस, आपका थ्रू आउट कैंसिल हो गया और ये मेरे पास हो गया डेंसिटी ऑफ स्टोन को डेंसिटी ऑफ स्टोन से डिवाइड किया वन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर को डेंसिटी ऑफ स्टोन से डिवाइड किया डेंसिटी ऑफ वाटर को डेंसिटी ऑफ स्टोन से डिवाइड किया इंटू जी इंटू जी इंटू एस। अब मैं डिफरेंट वैल्यूज पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, आपने कहा कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन की थ्री है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री, तो ये वैल्यू अब मैं इसमें पुट कर रहा हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वन माइनस वन बाई थ्री इंटू जी लेट इट बी टेन इंटू एस इट बी इट इज टेन। तो यहां से मेरे पास वी स्क्वायर कैलकुलेट होकर के आ गया किसके बराबर आ गया, 400 बाई थ्री, भाई ये 1 माइनस 1 बाई थ्री किसके बराबर बच गया, 2 बाई थ्री के बराबर बच गया, 2 2 जा 4 400 बाई थ्री, तो मेरे पास v की वैल्यू कितनी सॉल्व होकर के आ गई, v की वैल्यू सॉल्व होकर के आ गई 20 डिवाइडेड बाई रूट थ्री, अच्छा नहीं लगता, 20 रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, कितने लोगों को समझ में आया कि ये मेरे पास v की वैल्यू आई। गुड, एक और करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का वेट एयर में 2 किलोग्राम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है, व्हाट विल बी वेट इन वाटर, बताओ, ये ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग बैलेंस से लटका रखी है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब्जेक्ट की 4 है,
एयर में वेट इसका 2 किलोग्राम है, तो बेटा वाटर में इसका वेट कितना होगा इनसाइड वाटर? डेढ़ के जी 1.5 केजी आप बोल रहे हैं, वी विल चेक इट। यस सर 1.5। 1.5 केजी, वन मोर रिस्पॉन्स। और बेटा औरों की तरफ से रिस्पॉन्स? लेट मी चेक। हमारे पास अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा? अपेरेंट वेट जो होगा वो आपके पास, आप कह रहे हो ट्रू वेट माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक। तो ट्रू वेट तो मेरे पास किसके बराबर है? 2 kg के बराबर है, माइनस टू इंटू जी लिख ले, 2 into g माइनस वेट कितना डिस्प्लेस हुआ लिक्विड का, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मेरे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता नहीं रो नॉट किया। तो व्हाट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय रो वाटर इंटू जी। तो ये हो गया मेरे पास 2 into g माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है 2 / रो नॉट, और ये मेरे पास रो वाटर किसके बराबर है? रो वाटर है हमारे पास पता नहीं क्या है, रो वाटर इंटू जी। अब अभी बताया रो ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रो वाटर तो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो यहां से मेरे पास ये 2 into g माइनस 2 / 4 इंटू जी, तो ये मेरे पास 2 - 1/2 डेफिनेटली आपके पास 1.5 जी आ गया नेट वेट। तो जी हटा देते हैं, आपके पास मास बच जाएगा 1.5 kg, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम करिएगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा अभी, और आज डालूंगा मैं आपको असाइनमेंट लगभग 10:30-11 बजे के आसपास, तो आप उस असाइनमेंट को सॉल्व। You may leave. Thank you. सर हाँ बोलो, ये वैसे भी ठीक है ना, जैसे ऊपर